उन्होंने फाइनली उनसे शादी करके और मुझे जबरदस्ती डाइवोर्स भी दे दी। मैंने मना किया था, मैंने कहा बच्चों की वजह से बेटी बड़ी हो रही है, आप रहने दें, मतलब यू डू वॉट यू लाइक, इस घर को ऐसे रहने दें। बट दैट अदर लेडी मेड श्योर के नहीं, खत्म करो। खैर वो हो गया। फिर मुझे यही, अच्छा एक बात तो मैं इसलिए रोना इसमें मुनासिब नहीं समझती थी कि एक शख्स आपको चाह ही नहीं रहा है। छोड़ रहा है तो उसमें हम रोएं क्यों? भाई रोना तो वहां बनता है, अगर खुदा ना खासा कुछ हो जाता और वो छिन जाते वैसे तो ठीक है, उधर सदमा हो। इसमें भी होता है, मेरा घर, मेरी सबसे बड़ी वो ख्वाहिश जो थी वो ये थी मेरा घर ना टूटे, मेरे बच्चों पे उसका वो ना हो। असर नहीं हो। हाँ बस ये बाप हैं, रहे बाप इसी बिल्कुल। तरह, और मैं ठीक है आई वॉज रेडी कि नहीं ताल्लुक रखना ना रखें। लेकिन वो जब डाइवोर्स वगैरह हो गई, अच्छा इन लॉज का जो हम बात कर रहे थे कि उन लोगों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया हर तरह से। देर वॉज अ टाइम उन्होंने कहा कि मैं अपनी अम्मी से कहो कि वो जाएं, मैं उसको लेके इस घर में आऊँगा, मेरे बाप का घर है। तो मेरे इन लॉज में मेरी सास, खलिया सास हैं और मेरे जेठ हैं, जेठानी हैं, इन लोगों ने कहा कि नहीं, ना यहाँ से कोई जाएगा ना यहाँ कोई आएगा, क्योंकि हम इसको ब्याह कर लाए थे और इसके बच्चे हमारे बच्चे हैं, तो यहाँ आने जाने वाला माशाल्लाह। सीन नहीं हो रहा। अब वो ज़ाहिर है फैमिली घर था तो वो कुछ कर नहीं सके ज़्यादा। और इस तरह से फिर उन लोगों ने मुझे इमोशनली भी, बहुत बड़ी बात थी बहुत कि बड़ी बात अगर थी। उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले मेरे साथ दे रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। एटलीस्ट मेरा दुनिया में एक इमेज भी ये हो गया कि नहीं भाई इसका तो अगर कोई ये कसूर। गलत होती तो ससुराल वाले तो साथ ना देते। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी जो उन लोगों ने की, और मुझे पता है कि ये हार्डली कोई ऐसा कोई करता है। नहीं करता, इसीलिए तो मुझे इतना इंटरेस्ट हुआ, मैंने कहा ये बात शेयर करनी हाँ चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक लड़कियों को अगर थोड़ी सी इनिशियल सपोर्ट मिल जाए जब ऐसी सिचुएशन होती है बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनको आगे चलने में आसानी हो बिल्कुल, सकती क्योंकि है। देखिए मुझे अपना घर नहीं छोड़ना पड़ा। बिल्कुल। अगर बास दफा ही होता है कि लड़कियां सड़क पे आ जाती हाँ। हैं, बच्चे बेघर हो जाते हैं, कहाँ जाएं। अच्छा फाइनेंशियल अलबत्ता इत्तेफाक से मैं शौक में ये काम शुरू कर चुकी थी, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे उस तरह की हेल्प या चलो। सपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये अल्लाह की तरफ से एक वो बिल्कुल। था कि वो उन्हीं दिनों में काम शुरू हुआ और फिर होता रहा। शुरू में अलबत्ता काम मैंने कम किया क्योंकि बच्चे छोटे थे तो ज़ाहिर है बिल्कुल। उन्हें ज़रूरत होती है। और जब तक हस्बैंड साथ थे उन्होंने भी मुझसे ये कहा था आपको शौक है तो आप करें। ही वॉज एक्चुअली नॉट अ वेरी बैड पर्सन, वो ठीक अच्छे इंसान थे, बस हो जाती हैं सिचुएशंस बदल बिल्कुल, जाती हैं। बस अल्लाह ने कुछ किस्मत में लिखा हाँ होता बस है। होता है, एक अपनी हर हाँ। एक की चलती है ज़िंदगी। तो वो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप ज़रूर करें अगर आपको शौक है। एंड अगेन मेरी सास वगैरह ने बहुत इंकरेज किया कि अगर तुम्हें शौक है तो करो। कभी मुझसे आज तक ये नहीं पूछा मेरे ससुराल वालों ने कि इतनी रात को आती हो, कहाँ से आ रही हो भैया, कोई वक्त है तुम्हारा? उन्हें पता था कि भाई रिकॉर्डिंग्स होती हैं, इस तरह से चीज़ें होती हैं, तो कभी शक नहीं कुछ नहीं। तो इन्होंने ये कहा था कि बस घर नेग्लेक्ट ना हो, काम करें आप लेकिन घर बच्चों को। ये ना हो कि बिल्कुल ही। अच्छा वो पॉसिबल नहीं था, हमारे यहाँ तो 2-2 बजे रात तक अपने किसी ना किसी बहाने। अब आप जैसे, मैं लोगों से कहती हूँ कि भाई मैं 10 से ऊपर काम नहीं करूँगी, मेरी हेल्थ भी और जनरली मतलब अब एक हद हो गई है। तो हाँ पापा हाँ हम तो 10 बजे पैकअप कर देते हैं, हमने तो 10 से ऊपर सवाल नहीं। और हर दूसरे दिन 11-12 तो आम शाम बात है, वरना इवेंट्स वगैरह पे 2 भी बज जाते हैं, 3 भी बज जाते हैं। मैंने सोचा कि नहीं, फिर उस ज़माने में मैंने कम किया कम काम, काम किया था आपने। थोड़ा बहुत किया, फिर ज़रा ब्रेक लिया। तो फिर जब बेटी की शादी हो गई मेरी, उसके बाद फिर आई फुली गॉट इन्वॉल्व कि चलो अब बेटा बाहर था, उसकी शादी हो गई, तो मैंने कहा बस फिर तो। जो लड़कियां इसी प्रोसेस से गुजर रही हैं, सोच रही हैं या इस नहज पे खड़ी हुई हैं, उनको आप क्या क्या नसीहत करेंगी? क्या वो, आई नो कि ऑफ कोर्स आपकी एक, आई वुड से एक एक्सेप्शन थी जिसमें लॉज ने इतना हेल्प की, बिल्कुल वरना तो बिल्कुल इधर मियाँ ने छोड़ा या दूसरी शादी की, लॉज भी हाथ उठा लेते बहुत हैं, मुश्किल लड़की और होता है। बच्चे हाँ भी। बिकॉज ये तो मेरा ख्याल है कि चले बाप नहीं इतना था, लेकिन दादा दादी बिल्कुल बच्चों की बिल्कुल अपब्रिंगिंग पे बहुत असर पड़ता है। यू नो, बिल्कुल पड़ता इट है। गिव्स देम अ सॉलिड हाँ ग्राउंड जो बच्चों की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है।
तो बहुत सी और लड़कियों के पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो ससुराल की सपोर्ट उनको, बिल्कुल तो बहुत आप कम। उन्हें क्या एडवाइस करेंगी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस कि क्या करना चाहिए, कैसे कोप करें? मुझे ये लगता है, जो मैं अपनी बेटी को भी समझाती हूँ, अपने बेटे को भी बल्कि, कि अपने आप को मजबूत बनाओ। ये जिंदगी जो है ये एक आजमाइश है और हमारे इख्तियार में नहीं है। जो अब ये जो मेरे साथ सिचुएशन हुई, ऑफ मैं कोर्स उससे शायद 2 महीने पहले भी नहीं सोच सकती थी। बल्कि मैं आपको बताऊं कि अजीब सा जुमला मैंने एक दफा दिल में, मेरा बेटा आया हुआ था छुट्टियों पे और हम चारों एक बेड पे, बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, वी वर अ हैप्पी, वेरी हैप्पी फैमिली। हमारा उस वक्त तक कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसी बात नहीं थी। इट वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी शादी जैसे होती है। तो उस वक्त मैंने अपने दिल में सोचा कि अल्लाह मियाँ, मैं तुझसे मांगूं भी तो क्या मांगूं, सब कुछ तो है मेरे पास। और आप सोचें कि महीने भी नहीं कहूंगी, हफ्तों में एकदम से दुनिया सिचुएशन बदलनी चेंज हो शुरू। गई। अचानक उन्हें कोई खातून मिल गई और बस वो। तो मैं ये कहती हूँ लड़कियों से कि सबसे पहले अपने को स्ट्रांग बनाओ। लड़कियां नहीं, लड़के भी, हर एक के लिए होता है, जाहिर बिल्कुल। है, दे ऑल्सो गो थ्रू। अब जैसे अगर बाप चला गया तो बेटे पे भी असर होता है। मैं इन लोगों को ये कहती हूँ कि भाई मजबूत बनो। हमारे आगे अचानक से कोई टेस्ट आ जाता है, बिल्कुल। हमें नहीं पता होता, हम प्रिपेयर नहीं होते, लेकिन अगर आप अपने आप को गिरा दोगे ना, तो आपको फिर उठाने वाला कोई नहीं कोई है। नहीं है, खुद कोई ही उठना आपके पड़ता करीब है। आके 2 दिन सुन लेगा सही बात है। ना, आपकी कोई हेल्प करेगा फाइनेंशियली भी, फिर अक्सर लड़कियों को, बेचारियों को खुद ही संभलना पड़ता है। तो ये मेरा ख्याल है कि लड़कियों को 2-3 चीजें, एक तो देखें ससुराल में भी बहुत अच्छे लोग होंगे, लेकिन जब तक आप नहीं गिव इन करेंगे, अगर आप बुरी तरह से शुरू से अपना रवैया रखेंगे, तो फिर उन्हें क्या दिलचस्पी है भाई। तो मैं समझती हूँ कि ज्वाइंट फैमिली, आप सोचें अभी 40 साल माशाल्लाह हो गए, और अभी तक आप उनके अभी साथ, तक, अभी तक आई एम विद देम। माशाल्लाह। तो तो बस आपने बीच में कभी दोबारा दूसरी शादी का नहीं सोचा, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई या दिमाग में नहीं नहीं, आया नहीं या? मैंने इसलिए नहीं सोचा कि एक तो बच्चे, मैं ये समझती हूँ कि हमारे मजहब ने भी इजाजत दी है और हर औरत को ये हक है कि अगर वो बेवा हो गई है या तलाक हो गई है, वो दूसरी शादी करे जरूर। लेकिन मैं अपने बच्चों के बारे में सोचती थी कि बाप तो चला गया, अब अगर मैं भी शादी कर लूं और मैं एक और शख्स के, ऑब्वियसली वो शादी करेगा तो हिल यू नो, मतलब डिमांड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी एक। होती हैं, उसके भी माँ बाप होंगे, उसकी भी हाँ घर बार होगा। इस तरह से मुझे ये था कि कभी कोई इतनी वो नहीं हुई। दूसरा, मैं सच ये बताऊं कि पता नहीं क्यों मर्दों से एक जरा ये हो गया था कि दे आर हाँ नॉट सिंसियर। पता नहीं क्यों एक ये दिमाग में चीज आ गई थी कि 23 ईयर्स ऑफ मैरिज। तो मैं सोच रही थी 23 साल की शादी। मेरे बेटे ने भी ये जुमला कहा, वो उस वक्त कोई 18 साल का था, उसने भी ये कहा कि इफ 23 ईयर्स ऑफ मैरिज ब्रेक्स लाइक दिस, देन व्हाई डू पीपल गेट मैरिड। और उसने बहुत लेट की है, अब की है माशाल्लाह, ही इज ऑलमोस्ट 40, तो अब जाके वाह, उन्होंने शादी, वरना वो ओके। नहीं करता था, कहता था मुझे नहीं करनी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, जो जाहिर है उन्होंने घर देखा में जो हो जिंदगी। था। मैं तो उसे यही समझाती थी, मैंने कहा बेटा हर केस डिफरेंट होता है, आप बिल्कुल ये नहीं बिल्कुल। कह सकते। और ये मैं इसलिए भी यहाँ पे भी जिक्र कर रही हूँ कि लड़कियां ये ना समझें कि भाई शादी करनी ही नहीं चाहिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर एक का अपना अपना तजुर्बा होता है, बिल्कुल। ऑब्वियसली गो फॉर इट। लेकिन मुझे फिर यही था। और सेकंड मैरिज में ये भी होता है कि जब आपकी उम्र ज्यादा हो जाती है ना, आप ज्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं, ज्यादा आपको कॉम्प्रोमाइजर आपको कम करते हैं। मुश्किल होता है हाँ सही डिसीजन, बात है। नॉट एज ईजी एज द हाँ फर्स्ट वन। तो बस ये चीजें थी। तो फिर मैंने, चलिए। अच्छा, एंड अगेन फिर उसी पॉइंट पे आ जाते हैं कि मुझे, क्योंकि फाइनेंशियल भी कोई ऐसा मसला नहीं था कि आई नीड सम, होता है, मतलब ये सब नेचुरल चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अगर किसी को है तो वो गलत है, नहीं नहीं ऑफ कोर्स। हाँ होते हैं, हर एक इतना वो नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा उस चीज को अपने ऊपर तारी नहीं करना नहीं करना चाहिए। आ लेट चाहिए। इट गो, जिंदगी जो है ना वो बस बढ़ते रहने का नाम है। बिल्कुल। अगर आप रुक गए कहीं तो फिर आप रुक गए, और ओके। उसका आपकी हेल्थ पे, आपकी नफसियात पे, हर चीज पे असर होता है।
सो आई फील के जस्ट बी पॉजिटिव. एंड वी कैन सी यू माशाल्लाह से डूइंग सो वेल एंड सो मच पॉजिटिविटी मुझे भी अराउंड यू. कभी कभी ये लगता है कि कहीं मैं बहुत ढीठ तो नहीं हूँ आई डोंट ऐसा, थिंक सो. लेकिन फिर मैं आई कहती थिंक हूँ स्ट्रेंथ नहीं. और ढीठ में फ़र्क होता है. आई थिंक यू आर स्ट्रांग. और बड़ी खूबसूरत आपने बात कही कि मतलब आप चूज़ कर सकती थी, आपने अपने बच्चों को चूज़ किया एंड यू मेड अ हाँ करियर बिल्कुल आउट ऑफ योर फॉर बिल्कुल योर सेल्फ. और अभी भी आप किसी बिल्कुल. पे डिपेंडेंट नहीं हैं, यू हैव हाँ योर लाइफ ऑफ योर ओन, सो बिल्कुल. यू एन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ आई थिंक वुमेन अच्छा माशाल्लाह लेकिन से. मजाक में उल्टे सीधे बहुत करती रहती हूँ, और सेट पे भी बहुत ये वाले करती हूँ कि हाय हाय कोई ढूंढो तो और फलाना, तो सब इतने उधर आपा. मैंने कहा अरे भाई क्या है, मैं कह रही हूँ ना तलाश करो शायद कोई मिल जाए. तो फिर मजाक उड़ा हम भी पूछ लेते क्या डिमांड होगी अगर हम ढूंढने चले तो. और उसमें भी मैं बहुत बदतमीजी के जवाब देती हूँ लोगों को, मैं कहती लाइक हूँ मार नहीं देखो आपने सीख लिया, आपने कहा बाकी चीजें छोड़ो ये होना अच्छा ये चाहिए. भी होता है बहुत अच्छी लोकेशन है बड़ी हाँ खूबसूरत, फिर मैं कहती हूँ मैंने कहा जरा पता तो करो कौन सिंगल तो नहीं है कौन है, तो बच्चे सारे मुझे कहते हैं आपा यार आप क्या करती हैं, मैंने कहा भाई ऐसे ही जिंदगी सही गुजारते बात हैं. है. और क्या, वाई नॉट, वाई नॉट. अगर कोई बंदा कर रहा होता तो सही है, तो कर सकते नहीं बट आई डोंट हैं. एवर वॉन्ट टू गेट मैरिड, मुझे कभी वैसे नहीं. और साथ जॉइंट फैमिली में माशाल्लाह सब होते थे, रात को मैं शूट से वापस जाती थी तो आई यूज टू सिट विद माई मदर इन लॉ, टीवी देख रहे हैं ये कर रहे हैं, मुझे कभी कोई कमी महसूस महसूस नहीं हुई कि मतलब होना चाहिए. हाँ अब एज जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो कभी कभार थोड़ा सा एक कहीं बैक ऑफ द माइंड ख्याल आता है कि हाँ कोई होता. मैं यही सोच रही थी कि एक शख्स अगर सीधा खड़ा है, खड़े 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 वो थक जाता है, उसे हल्की सी जरूरत होती है कि वो किसी चीज पे लीन करे, अगर वो सहारा आपको मिले आप फिर से खड़े हो जाते हैं, अगर बिल्कुल वो ना मिले तो आप गिरते जाते हैं. वो बिल्कुल वाली बात है कि बिल्कुल है जाहिर है कुदरत के ये सिस्टम है, हाँ पीपल डू नीड सपोर्ट, लेकिन मुझे माशाल्लाह अपने बच्चों से, माँ भी हैं मेरी, अम्मी मेरे साथ हैं. माशाल्लाह. हाँ शी इज़ ओके विद मी, वालिद का तो हो गया था इंतकाल, तो मुझे कभी अच्छा लगता है इन सब की सपोर्ट है. नहीं, और हमें आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, सो बहुत शुक्रिया कीप गोइंग आपका. ऑन.